अमृतसर में श्री दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश। लोगों ने आरोपी को पीट पीट कर उसकी हत्या की। आरोपी ने रेलिंग फांदकर कर तलवार उठाने की कोशिश की। पवित्र ग्रंथ तक पहुंचने से पहले रोक लिया गया। सभी सीसीटीवी फुटेज की हो रही है जांच। गोल्डन टेंपल में शख्स कब दाखिल हुआ और कितने लोग उसके साथ थे, इस बात की जा रही है पड़ताल। घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल, कहा आरोपी करीब 25 साल का था। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा लोग कुछ समझ पाते तब तक गुरुद्वारे में अफरा तफरी मच गई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बेअदबी की कोशिश की निंदा की। पुलिस अधिकारियों को घटना की पूरी जांच का निर्देश दिया। श्री दरबार साहिब की घटना पर प्रकाश सिंह बादल ने दुख जताया, कहा यह कोई साजिश हो सकती है, केंद्र सरकार या जुडिशियल एजेंसियां जांच करें। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, बेअदबी के पीछे कोई साजिश हो सकती है, इस बारे में उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से बात की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बेअदबी की घटना पर दुख जताया, दोषियों को सख्त सजा की मांग की। आज गोवा जाएंगे पीएम मोदी, गोवा लिबरेशन डे समारोह में शिरकत करेंगे। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आज दोपहर 3 बजे पीएम मोदी का कार्यक्रम। इस मौके पर पीएम मोदी ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और दिग्गजों को भी करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री फोर्ट अगुआडा जेल संग्रहालय गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को जनता को समर्पित करेंगे। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया गया है। 380 करोड़ रूपये इसकी लागत आई है। पीएम मोदी गोवा के बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी पणजी के आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फ्लाईपास्ट में भी शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे से कार्यक्रम। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए मुंबई में गृहमंत्री अमित शाह बोले, भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का हब बनने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले तैयारियों का जायजा लिया। भारत मध्य एशिया डायलॉग में अफगान संकट पर जोर, विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं डायलॉग की मेजबानी। डायलॉग में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल, कल तक चलेगी बैठक। डायलॉग के बाद सभी 5 देशों के विदेश मंत्रियों का संयुक्त रूप से पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी शुरू करेगी जन विश्वास यात्रा, 6 जगहों से शुरू होगी यात्रा। जेपी नड्डा अम्बेडकर नगर में यात्रा की करेंगे शुरुआत। 300+ का लक्ष्य लेकर जन जन तक पहुंचेगी बीजेपी। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा, महिलाओं को साधने के लिए करेंगी शक्ति संवाद। आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी करेंगे रैली, शोषित वंचित समाज सम्मेलन में करेंगे शिरकत। आज गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे। गाजियाबाद में आज वैश्य व्यापारी महाकुंभ में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। एसपी नेताओं के घर आईटी की छापेमारी में 200 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा, दुबई से जुड़े हो सकते हैं आरोपियों के तार। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, मैं आईटी के छापों का समर्थन करता हूं, भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई हो। कोरोना के सुपर वेरिएंट का बड़ा खतरा, ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर बना सकते हैं बेहद खतरनाक स्ट्रेन, ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। नेशनल कोविड 19 सुपर मॉडल पैनल ने भी किया दावा, फरवरी तक पीक पर होगा कोरोना का तीसरा नया वेरिएंट। WHO कह चुका है 2 से 3 दिन में 2 गुने हो रहे हैं मामले, तीसरी लहर आएगी तो हालात फिर से हो जाएंगे बेकाबू। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में 2 जगहों पर 33 करोड़ संक्रमितों में से 5 ओमिक्रॉन के मामले, बाकी लोग अन्य वेरिएंट से संक्रमित। दिल्ली में 5 अस्पतालों में होगा ओमिक्रॉन का इलाज, LNJP के अलावा 4 निजी अस्पतालों को किया गया डेडिकेटेड। दिल्ली में 4 निजी अस्पतालों को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर्स में तब्दील किया गया, गंगाराम, मैक्स, साकेत, फोर्टिस, वसंत कुंज और बत्रा अस्पताल शामिल। यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े किए जा रहे हैं कोविड नियम, लोग कर रहे हैं उन नियमों का विरोध। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।